कामत के वहाँ, कामत के वहाँ मतलब नहीं आ गया। संक्रमण में तो विरोध लेकर मीम अरे उधर इधर उधर इधर इधर जो भी बोलेगा पास करना पड़ेगा। मतलब आपको पास करना वो लाइक आवाज के लिए ये माइक में भी आवाज नहीं पकड़ेगा क्या? पकड़ लेगा आपकी आवाज सुनो, इतनी आवाज तो चलेगी ना आप लोग। ये रोल कर रहा है अरे बोलते हैं ना कौन वो हम सर तो मैं वही बोल रही हूं। आई वाज फ्रॉम एबीपी, आई वुड से सर। अच्छा अच्छा यू आर फ्रॉम एबीपी ना? या बिकॉज़ आई एम रेड भैया। ओके लेट्स पहला सवाल करते हैं फिर अनुष्का, सिंस यू आर सेइंग कि आप एबीपी ने कमेंट किया था सबके कपड़ों पे कहाँ पहुँच गया किस जमाने में हम लोग ये सब ऐसे फेंक देते थे? किस जमाने में यहाँ तक तो पहनते ही थे, रगड़ रगड़ के इतना तो फाड़ ही देते, फिर इसको शॉर्ट्स बना देते थे। तूने तो मतलब चलो कोई बात नहीं, जस्ट वोक अप लुक है, जस्ट वोक अप, दिस इज अ लुक। या रियली यही कहूंगा मैं भी, खुद एक लंगू हूं क्योंकि मेरे रूम में भी एक, हम सपनों की तो बंदर थे ना एक टाइम, तो मैंने तो इनकी तारीफ ही की तो डोंट टेक इट। नहीं 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 कोई बात नहीं, हम सब लंगूर थे बहुत। फोटो ऑफिस के मुंह में सरदर्द आज ही रोज सबके दिखा रहे हैं ओके दोस्तों, एलन आ रहा है, एलन आ रहा है, आओ एलन प्लीज। एक डायरेक्टर सब भी आ रहे हैं, डायरेक्टर है ना, इधर है ना डायरेक्टर है ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Good to be back with this, all the flashes. दो साल से भूल गए थे फ्लैश का। टीवी पे देखते थे भैया, 10 मिलियन फॉलोअर सॉरी यार मैंने लास्ट अभी चेक किया था तेरा प्रोफाइल, माफ करना। हम रोज चेक कर रहे हैं। Good to see you. The trailer looked quite amazing. काफी कुछ सस्पेंस छोड़ा है ट्रेलर के एंड में। जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? ट्रेलर का रिस्पांस किस तरह से मिला? किस तरह से मिला? ट्रेलर का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था, सबको बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे मिस्ट्रीज है इसमें, बहुत सारा सस्पेंस है, तो एवरीबॉडी इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि सबको कैसा लगा सॉन्ग। एंड नितिन सर यू हैव केम अप विद अ न्यू लुक एंड चश्मा बियर्ड, the fans are liking and such a suspicious look at what do you want to say about your role? Yeah, it's very interesting. Fans are really really liking it and you see the whole part about our industry or as an actor is wohi hai ki you know aap kuch aisa karo ki logon ko intrigue bana rahe ki ye actually kya hai ya isne naya kiya hai to usme kya hoga uske character mein and matlab is jo trailer release hua hai जो मकसद होता है या जो सीरीज है द होल थिंग इज मिस्ट्री क्या कैसे हो रहा है क्या हो रहा है तो वो ट्रेलर में सब आ रहा है एंड पीपल आर लाइकिंग दैट एंड इट हैज स्ट्रक अ कॉर्ड आई वुड से कि एक होता है ना कि ट्रेलर का मकसद ये होता है कि लोगों को ये लगना चाहिए कि यार क्या मस्त है यार ये मुझे देखना है तो इट हैज़ डेफिनेटली वो इंट्रिक है और लोगों को ये इसीलिए देखना है कि ट्रेलर इतना अच्छा है और यू नो परफॉर्मेंसेस आर गुड एंड ऑफ कोर्स लवली को स्टार्स एज यू वांट And in your recent past, you have done so many things, and this is something new we are seeing it as a fan point of view. So, what was the first thing came in your mind when you saw the script? Well, you know, when Nitesh came up to me, the director, he said, "This time, you know, let's do something different." I said, "Yeah, different." मैंने बहुत सुना है ये word different, हम सुनते हैं रोज सुनते हैं। इतनी scripts आती हैं, बोलते हैं यार सर ये देखो एकदम different है, आपने कभी किया ही नहीं होगा। पता चलता है कि ऐसे में चार पांच बार कर चुका हूँ और बहुत बार कर चुका हूँ, कुछ नहीं है, एक लास्ट ट्विस्ट मार देंगे या एक कुछ ऐसा सीक्वेंस डाल देंगे, देखा इसमें ये था आपने ये नहीं किया होगा, उसमें वो था वो नहीं किया, बट ये वाकई में अलग था बिकॉज यू नो एक मिस्ट्री है इस, एक चल के भी आता है ना फ्रेम में तो पीपल विल थिंक क्या है ये कैरेक्टर,
तो वो था वो, यू नो, उस कैरेक्टर के पर्सनालिटी में वो लाना, उस एक तो लेयर्स है, एक तो क्या है लोगों के सामने बहुत ही मतलब शरीफ है और बहुत ही ऐसा है, आगे क्या है वो तो आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है, बट एक मिस्ट्री तो एक चैलेंज था, बोला चलो यार करते हैं समथिंग डिफरेंट व्हिच आई हैव रियली नॉट डन। And we saw you, खतरों के खिलाड़ी की बात करें उसमें भी काफी challenging था, and you have done so many challenging things in your life. Yes. In age of 19, so do you like facing challenging things in? Yes, of course. As an actor, I always prefer doing roles which challenges me in a way, because then I learn a lot. Because I think this is the period of time where I'm always learning, always trying new things. So I think it teaches you a lot of things. And every role that I take up, like even I did a film called Am I Next, which went to international film festivals, and it did really good. Thank you. I won Best Actress in Boston. Unfortunately, wow. Because of COVID, I couldn't go. Oh. But it's also a social cause. It's about a social cause, and you know, it was a very difficult and a very challenging role. But when I do roles like this, it really, like, you know, I have to do my best and I have to do different. Like, I really want ki when people see Muskaan, they only see Muskaan. They don't see acha Anushka's acting as Muskaan. So that's why I do challenging things, and it's really working out for me really great. And is saal mujhe literally 11 saal ho gaye as an actor, and as an influencer it's been 5 years. So I'm really grateful for all the fans who give me so much love. And as you said, it has been 5 years. So how do you see social media and OTT platform in your life? Of course, see, as an actor, I have been working since I was 8, but then influencing started 5 years back, and I just do it for fun, genuinely. It's not a job for me, it's just something, I really like connecting to people, you know, in general, I like talking to people, to know about them, I like telling people about me. So, you know, I see Instagram that way. I would be very frank, I'm sorry to cut her. And at this field, mein hum hai na, usme hame, यू नो, इसलिए नहीं कि हमें कुछ है या यू नो हमें वी आर एडिक्टेड और व्हाटएवर, बट वी वांट टू बी अपडेटेड, वी वांट पीपल टू नो क्या चल रहा है हमारे लाइफ में, बिकॉज़ दे वांट टू नो राइट हाउ एल्स डू यू कनेक्ट विद देम, सो सोशल मीडिया हैज बिकम अ मीडियम जिसके थ्रू यू नो दे आर कनेक्टेड विद अस, और दे यू नो व्हाट वी आर डूइंग और कहां हैं हम लोग, हमारा क्या प्रोजेक्ट्स आ रहा है, तो सोशल मीडिया हैज बिकम दैट वे, हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ट्रू, यू हैव टू यू नो बी कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया, अदरवाइज इतने सारे लोगों के साथ, उन लोगों को हमारे साथ कनेक्ट होने में एक यही मीडियम है, वो कन्वीनियंट फील करते हैं, यू नो, तो हमें भी यू नो इसीलिए अपडेट रखना पड़ता है कि यू नो दिस इज हैपनिंग, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. Yeah. That's about it. That's what I feel. Anushka का मुझे नहीं पता. No, it's genuinely the same. Exactly, मैं यही बोलने वाली थी, and sir ने genuinely वही बोला. The connection, you know, because they always want to know what I'm doing, where I am, what I'm eating, and what मैं कैसी हूँ as a personality or as a person. So they know me better, real self. Because as an actor, you see Muskaan, you see Jhansi Ki Rani, or you see, you know, all the other roles that I've done. But who's Anushka Sen? That they know kind of through social media, right? So yeah. Sir, how do you see OTT platform, because we have saw you many times on television and other different platforms, OTT platforms, and how do you see OTT platforms in your life? I would see it as, like, you know, OTT is a boon for a lot of actors, because I know so many of my friends, my colleagues, I would say, you know, of us in this industry, who are now so busy because of OTT, because the real content has been made, and good stories with good characters, challenging roles, and you know, likewise for everybody in our industry, like, you know, for a camera guy, for a technician, for the director, for the choreographers, for VFX guys, for everyone, it's a boon, because you know they're constantly creating, and something new or else is happening, and if you are a good actor, you definitely are, you know, working non-stop. So yes, it's a boom right now on OTT. I see it as when we had entered in TV and there was a boom in TV and we were busy, it's the same phase with OTT now, it's a boom. I just, you know, hope that it stays forever, and TV and OTT, you know, run simultaneously, because people who watch TV, like our parents, our elders, they don't want to, you know, go on to Netflix, and you know, unless you put it on for them and they say, okay, this is clean and this is nice subject, and they can watch it. Otherwise, they will never go on to, they're used to their
टीवी देखते हैं वो लोग आराम से बैठ के, तो ये एक है बस उतना फासला है, बट वो साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, ओटीटी भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, और सिनेमाज तो यू नो चलते ही रहेंगे, मूवीज तो यार अभी थिएटर्स आर बैक, सो मूवीज तो थिएटर्स में ही देखनी चाहिए. देखो यार नाम में ही सस्पेंस हो, हम कुछ भी रख सकते थे, नाम मुस्कान भी रख सकते थे, इसका नाम मनोहर भी रख सकते थे, इसका नाम कुछ भी रख सकते थे, बट एक्चुअली स्वांग मतलब जो धोखा दे रहे हैं लोगों को, कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन इच एक एक एवरी मोमेंट यू विल फील कि ये उसको धोखा दे रही है, इसका एलन का कैरेक्टर उसकी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड किसी और को, तो वो चल रहा है पूरा, तो इट्स लाइक दैट, इसीलिए वो स्वांग एकदम एप्ट है, लाइक यू वुड हैव अ डाउट ऑन एवरीबॉडी, लिटरली लाइक एवरीबॉडी यू वुड हैव अ डाउट ऑन कि ये सच है या नहीं है, सो दैट्स व्हाट स्वांग मींस एंड आई थिंक इट्स द एप्ट वर्ड फॉर द शो. ओके, सो लास्टली व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम स्वांग? We are looking well, यार सारे records तोड़ चुका है वैसे भी, just teaser आया तो it's broken all the records, and आज release हो गया तो अभी मैंने सुना है कि बहुत कुछ problem हो रही है, वो लोग देख नहीं पा रहे बराबर से, इतना traffic है, so we want this kind of response, it should explode. And I really hope that people really have a good time watching it. And I really yes. hope कि वो guess नहीं कर पाए last तक ही. I really hope that you know they put in this. I'm sure they will put in. I'm sure you guys have. By now, you have watched the whole series and you want to see season 2. So we are coming back with season 2. Don't worry. Whoa. ट्रेलर एंड जिसको भी मैंने दिखाया उनको बहुत पसंद आया ट्रेलर, सो मेरी एक्सपेक्टेशन तो यहाँ थी ऑलरेडी, अब ट्रेलर देख के मेरी एक्सपेक्टेशन और ऊपर चली गई है, तो मैं तो गेम हूँ, I'm really excited to watch the series. Even I loved the teaser. Trailer से पहले जब teaser ही आया, even the teaser was so interesting. Like a lot of people asked me कि what is it, क्या है. Even the teaser was very interesting and then the trailer also looks superb. And the best thing is that it's a mini series. आप लोग देखेंगे within half day only you can finish it and you'll get to know what is the suspense and what is the climax, what is the thrill all about. So there's a lot of mystery in it. So you have to watch it and then you'll get it. और वेब सीरीज का तो अभी असली मजा ही बिंज वॉच करने का होता है. एक बार देखो तो फिर खत्म करके ही होता. Yes, I agree. What do you want to say about your role? So my character is of a NGO girl, जो कि एक NGO चलाती है. मेरे character का नाम है प्रीति. और underprivileged लड़कियों की मदद करती है NGO में, ताकि वो पढ़े लिखे और फिर आगे चल के अपने पैरों पे खड़े हो जाएं. बट उसके भी अपने शेड्स हैं कैरेक्टर के. एनजीओ चलाने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है, कहीं से फंड्स मिल रहे हैं, कहीं से नहीं मिल रहे तो हैं, स्वांग रचा रही है अपना, तो वो उसी कश्मकश में रहती है कि यू नो कहीं से भी एनजीओ बंद ना हो जाए. सो ऑल दीज शेड्स आर देयर विद हर कैरेक्टर एंड वंस यू वॉच इट यू विल गेट टू नो. बट इट्स अ नाइस, इट्स अ सिंपल कैरेक्टर, बट दिस ऑल्सो हैज लॉट ऑफ शेड्स इन इट. मैं प्ले कर रहा हूँ एक रिपोर्टर का कैरेक्टर और उसका नाम है सायन. सो मैं बेसिकली ये सायन जो है ये इसकी गर्लफ्रेंड भी, जैसे आपने देखा होगा प्रोमो, तो इसमें क्या होता है मिसिंग हो रही होती हैं लड़कियां, तो इसकी गर्लफ्रेंड जो भी एक रिपोर्टर थी वो भी मिसिंग हो गई है, तो ये उसको ढूंढने के लिए दिल्ली से ऑल द वे आता है धर्मशाला, और फिर वहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ें इसको समझ में आती हैं, नहीं आती हैं, मिस्ट्रीज में उलझ जाता है, बट गिव अप नहीं करता, और जो भी स्वांग रचा हुआ है उसकी जड़ तक पहुंच के ही रहता है, तो अंडरडॉग टाइप का कैरेक्टर है और फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंचता है,
वो उसकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. See, the best part of my role was like as an actor, I loved those moments जहाँ पर अपनी girlfriend को याद कर रहा है. तो इसके अंदर वो pain भी है और focus भी है कि मेरे को पता लगाना है कि वो किधर है. और इस character की सबसे strong point जो है कि कभी give up नहीं करता है. He never gives up. Sayan never gives up. वो end तक सारे threats के बाद सबके बाद खड़ा रहेगा. अपने अपने mission की तरफ चलता रहेगा. I think the best part, starting only like whatever work she is doing for underprivileged girls, वो उन्हें help कर रही है पढ़ाने लिखाने में. वो itself the role is good and her character is good. I enjoyed playing क्योंकि simple role है, simple लड़की का role है. और काफ़ी मज़ा आया एक डी ग्लैम रोल प्ले करने में, विच आई थिंक इज़ द बेस्ट पार्ट. सो या दैट इज़ व्हाट आई लव्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम यू, अनुष्का इज़ देयर, नितिन सर इज़ देयर, सो हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? अरे वी हैड एन अमेजिंग टाइम. मतलब ऐसी बॉन्डिंग हो गई थी कि को एक्टर्स ज़्यादा दोस्त बन गए सब. मानसी है, हितेन भाई है, इन लोग को तो मैं फिर भी पहले से जानता हूँ बिकॉज हितेन भाई और हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते हैं. एंड मानसी एंड आई वर्क टुगेदर एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स अदरवाइज आल्सो. इट वाज वेरी गुड, वेरी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर विद द डायरेक्टर आल्सो, विद ऑल द को एक्टर्स. हम लोग और अनुष्का भी ऐसे हमारे साथ ही ब्लेंड हो गई जैसे यू नो कि लाइक एलन और मैं तो वी कैन से हम लोग सेम एज के हैं, बट या अनुष्का इज यंगर टू अस, हितेन सर इज सो सीनियर टू अस, बट इट जस्ट डिडंट फील कि वो सीनियर है. सब एक ही ब्लेंड हो गए. ही वाज इवन मोर यंगर एंड बिंदास विद अस कि हमें लग रहा था कि हम बड़े हो गए, यू नो. वो इतने छोटे एंड ही वाज लाइक क्रैकिंग जोक्स एंड ऑल. एंड उनसे कुछ भी बात करो, ही इज वेरी अप्रोचेबल एंड यू कैन maybe talk to him about acting or about anything under the world. Aur wo usko bhi bahut hi acche hilarious way mein, you know, he will explain it to you, simple way mein he will explain it to you. And of course anushka ke sath bhi, alan ke sath bhi kaam karne mein bahut maza aaya. Prakash ji, he is also very senior actor, unke sath bhi alag experience. Prakash ji ke sath mansi ne bahut galat kiya. Prakash ji kehte hai ki main diet pe, aur mansi ne unke samosa rakho ye rakho wali video bana ke dal di. एक्चुअली मैंने इन सब का BTS लिया है, विच इज़ मेरा अपना हैबिट है सबको रिकॉर्ड करने का. तो मैंने सबका BTS लिया, उनके BTS में समोसे आ रहे थे तो मैं क्या करूँ. तो वो भी रिलीज़ होगा आफ्टर द स्वांग इज़ रिलीज्ड, देन माई व्लॉग विल बी रिलीज्ड. एंड यस, आपको सबके इंटरेस्टिंग साइड्स देखने को मिलेंगे उसमें, सो डू वॉच इट. माई फेवरेट सो समायरा है, एक और लड़की है जो डिम्पल का रोल प्ले कर रही है वो, और ये एलन और वो मिल. सो समायरा बहुत अमेजिंग एरोबिक्स बंद करती है एंड बैक फ्लिप्स करती है. सो उस एक्रोबैट्स करती है. मेरा तो स्पोर्ट्स इतना बुरा है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि वो एक्रोबैट्स करती है. तो वो एक्रोबैट्स करती है, बहुत अमेजिंग बैक फ्लिप्स करती है. तो वंस किसी और का सीन चल रहा था, हम लोग सब बैठे थे एंड उसने वो करके दिखाया, बैक फ्लिप करके दिखाया, फिर इसने अपना कुछ योगा का करके दिखाया. सो वन बाय वन हर कोई कुछ ना कुछ करके दिखा रहा था एंड आई हैव इट ऑन माई कैमरा एवरीथिंग. सो दैट वॉज माई फेवरेट BTS मोमेंट. और हमें पता नहीं होता है क्योंकि अभी तक आदत नहीं है ना, कोई BTS भी ले रहा होगा. हमारे लिए तो भाई ये मेन कैमरा है, अब ये नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन अब छोटे वाले जो कैमरा इधर उधर लग जाते हैं ना, उनसे बड़ा सावधान रहना पड़ेगा. अरे बट इट्स अ गुड थिंग ना, इट्स अ गुड थिंग. या एंड टॉकिंग यू शुड नो, एंड टॉकिंग अबाउट हितिन सर, काफी इंटेंस लुक लग रहा है उनका. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर लुकिंग हितिन सर लाइक दिस, सो हाउ डू यू सी हितिन सर? मैंने अभी उनको रिसेंटली भी एक और सीरीज में भी देखा. ऑफकोर्स टीवी में तो हमने उन्हें इतने सालों से देखा ही है, बट रिसेंटली आई सॉ हिम इन अनदर सीरीज ऑल्सो. ही इज जस्ट सुपर्ब एंड इन दिस वन ऑल्सो ही इज डन अ ग्रेट जॉब. सो यू विल ऑल लव हिम वेरी मच. We're looking for a great response. Yeah, and we are looking for it to become a big hit. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.